ससुराल में ही रहती हूँ, डबल पोर्शन मकान है मेरा। क्या गाड़ी वगैरह रखी हुई है आप लोगों ने? जी। कौन सी? मेहरान। हाँ यार मेहरान जिंदाबाद, मैं भी सोच रहा था कोई पुरानी मेहरान ले लूं। सही। कल्टस लेने का कह रहे थे लेकिन अभी ली नहीं है। लेनी है तो कल्टस यहाँ पे सेल हो रही है, दिलवा देते हैं। नहीं भाई मसला ये, वो खुद ही लेंगे। चले हम तो सर आपके दीदार के मुंतजिर हैं, जहाँ भी हो। कभी भी नहीं होगा। हाँ वैसे भी मैंने आंखियाँ देखना छोड़ दी हैं। अच्छी बात। और सका रहे हो है ना? मैं भी सोच रहा था कोई और टॉपिक ही ढूंढते हैं यार, क्या टॉपिक ढूंढे। चले आप ही कुछ बात करते हैं। पहले अपना ख्याल रखा करो, शायद नहीं रखते, शायद की गुंजाइश जिंदगी में कभी ना रखना। मैंने ये बात तुझे पहले भी बोली थी, तुझे शायद याद नहीं। नहीं आपने शायद ये मुझे बोली होगी। कितनी कितनी बड़ी हूँ मैं तुझसे? यार 4 साल का गैप है। मैं तेरे सामने आ जाऊँ ना तो ये साबित नहीं कर सकता कि मेरे 4 बच्चे हैं और मैं शादीशुदा हूँ। नहीं मैं कर सकता हूँ साबित, और 4 साल बड़ी है मुझसे, ऐसे समझे 4 साल यार, जिंदगी के 4 साल ये तो बहुत बड़ी है ना आप उनसे। आप तो मेरी अम्मी के अम्मी से 1 साल छोटी है बस। तुम्हारी अम्मी की 5 साल में शादी हो गई थी ना। तो तेली अम्मी की बात कर रहा हूँ। मतलब आप नहीं यार, 4 साल बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, मैं तो आपके सामने बच्चा ही लगूंगा ना। आप माशाल्लाह हेल्थी हेल्थी और मतलब हेल्थी मतलब होंगी आप, बच्चे हो गए हैं बंदा इंसान हेल्थी हो जाता है, मोटा हो जाता है। और थोड़ी सी आप पता नहीं आप कैसी होंगी, मैं अंदाजा तो नहीं लगा सकता इस बात का, देख के ही पता चलता है चीज को। और हमसे तो बड़ी है ना, आपका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा है ना, है ना जी। ठीक है, आपकी शादी जल्दी हुई थी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ गया होगा, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। चले कोई बात नहीं है, हमें भी कोई आ जाएगी, उसे भी हमें और हमें भी उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। अच्छा आपको मुंह दिखाई में तोहफा क्या मिला था? ब्रेसलेट। ओहो कितने वाली? पता नहीं कितने वाली। क्यों यार ऐसी मिले ना मुझे भी भिजवा देना। क्यों? मैंने भी आगे मुंह दिखाई में किसी को देना है। तो तुम आजकल के दौर के लिहाज से देना ना। नहीं नहीं यार मैं अब खरीदू, मैं अब कंजूस बन चुका हूँ। खरीदने की जरूरत नहीं। तुम शादी कर रहे थे ना, मुझे तो बुला रहे थे तुम। यार बुलाऊंगा लेकिन अभी इतना मेरे पास सरमाया इकट्ठा नहीं हुआ कि मैं अपनी शादी कर सकूं और इस बारे में सोच सकूं। अभी मैंने सोना भी नहीं बनाया, 1 तोला सोना बनाया है, वो भी अभी और बनाना है, कम से कम 7-8 तोले तो हो यार। पागल अपना दिल बड़ा रखो, तंग दिल रह के जिंदगी नहीं गुजरती। यार तंग दिल रह के ही जिंदगी गुजरती है, क्योंकि अब जो महंगाई है ना इतनी है और अखराजात ज्यादा है, शायद आप क्योंकि औरतों को इन चीजों का नहीं पता होता, क्योंकि उन्होंने पैसा कमाना थोड़ी ना होता है, उन्होंने बैठ के बस लेना होता है, उन्हें ये नहीं पता कि भाई हस्बैंड जैसा भी कमाए उन्हें बस पूरी हो जाए, उनका यही होता है। लेकिन जो कमाता है ना उसे पता होता है कि यार 1-1 रुपया कैसे खर्च करना है। ये तेरी बात गलत है, मैं इस बात से सहमत नहीं। वो आपकी और बात है, मैं समझ गया।